2020 में भले ही फिल्में कम बनी हो, भले ही रिलीज कम हुई हो, लेकिन हमारे भोजपुरी स्टार्स के बजट पर कोई कमी नहीं आई है। जी हाँ, आपको बता दें कि हमारे भोजपुरी स्टार्स की फिल्में भले ही इस साल बहुत कम रिलीज हुई हो, कुछ आद की तो रिलीज ही नहीं हुई, लेकिन अगर आप इनके सैलरी के बारे में सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, 2020 में ये हमारे भोजपुरी सितारे 2019 से ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, पर फिल्म ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, साथ ही साथ पर स्टेज शो भी ये पैसा कमा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ से। जी हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबली स्टार कहे जाते हैं और वो पर फिल्म का 40 लाख, जी हाँ, वो पर फिल्म का 40-45 लाख अमाउंट चार्ज करते हैं। साथ ही स्टेज शो और जितने भी उनके प्रोग्राम है उनकी अलग अलग वो सैलरी लेते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर फिल्म में ये हमारे भोजपुरिया सितारे प्रॉफिट भी शेयर करते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं हम पवन सिंह की तरफ। तो पवन सिंह 50 से 55 लाख पर फिल्म चार्ज कर रहे हैं। अगर आप इनके साथ फिल्म करने की सोच रहे हैं तो आपको इनके साथ फिल्म जो आप रिलीज़ कर रहे हैं इनके साथ उसमें प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ेगा। साथ ही हमारे ये भोजपुरिया सितारे भले ही इस साल स्टेज शो नहीं किए, लेकिन अगले साल स्टेज शो करेंगे, उसके लिए इन्होंने अभी से अमाउंट चार्ज कर दिया है। पवन सिंह पर स्टेज शो करने का 8 लाख लेते हैं। और आपको बता दें कि पवन सिंह के साथ अगर आप एड शूट कर रहे हैं तो पर मिनट वो चार्ज करते हैं। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि अगर आप पवन सिंह की टोटल वर्थ निकालते हैं तो साल का 10 से 15 करोड़ रुपए कहीं नहीं गए पवन कमा ही लेते हैं। यही हाल खेसारी लाल यादव का ही है। बहुत कम समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में छा गए और लोगों का बहुत प्यार मिलता है। इनके स्टेज शो की बहुत धूम रहती है, बहुत स्टेज शो करते हैं खेसारी, और काफ़ी डिमांड भी रहती है इनके स्टेज शो की, क्योंकि ये इंटरटेनमेंट का फुल टू पैकेज है। पर स्टेज शो खेसारी 7 से 8 लेते हैं, पर फिल्म 50 लाख, पिछले साल 45 लाख, और अब इस साल 50 लाख वो चार्ज करते हैं। और एड्स, साथ ही साथ चुनाव प्रचार, साथ ही साथ किसी ब्रांड से जुड़ना, इन सब को अगर आप अमाउंट को आप इंक्लूड करेंगे तो 10-12 करोड़ रुपीज़, जी हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं खेसारी। और अब हम आपको बता देते हैं कि इसके बाद हमारे जितने स्टार आते हैं, चाहे वो प्रदीप पांडे चिंटू हो या फिर रितेश पांडे, सभी के चार्ज के बारे में। प्रदीप पांडे चिंटू 25 लाख रुपए पर फिल्म, और अगर फिल्म उनके प्रोडक्शन की है तो प्रॉफिट। और अब आपको बता देते हैं कि रितेश पांडे, जी हाँ, रितेश पांडे अपने गानों से, अपने स्टेज शो से और अपने फिल्मों से काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तो रितेश पांडे अपनी फिल्म में 10 से 12 लाख रुपए, स्टेज शो पर वो 5 लाख रुपए, और पर अपने गानों को वो 1 लाख से तकरीबन 1.5 लाख रुपए में, और अपने गाने वो 1 से 1.5 लाख रुपए में चार्ज करते हैं। इसके बाद हम अरविंद अकेला कल्लू की बात कर ले तो अरविंद अकेला कल्लू भी अपनी पर फिल्म 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं, स्टेज शो 3 लाख रुपए में चार्ज करते हैं, और अगर वो ब्रांड से जुड़ रहे हैं तो उस ब्रांड से 50 से 60 हज़ार रुपये, और साथ ही गानों के लिए वो 80 से 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। बात अब प्रमोद प्रेमी की हो जाए तो पर फिल्म 5 लाख रुपए, जी हाँ, 5 से 6 लाख रुपए, साथ ही गानों के लिए वो 1 लाख रुपए, स्टेज शो के लिए उनका भी 1 से 1.5 लाख रुपए। यानी कि हमारे ये जो भोजपुरिया स्टार है बॉलीवुड स्टार से कम नहीं है। इनके गानों की धुन और इनकी पॉपुलरिटी किसी भी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं है। आप किसे पसंद करते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।